शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। महाराज, कल हम लाल बत्ती गए हुए थे, वहाँ तो हंगामा मचा हुआ है, कुर्सियों का फव्वारा छूट रहा है वहाँ पर। कल वाले पत्र में तो उसने लिखा है कि रविवार को आके बिया रचाएगा, वो भी काली माँ के मंदिर के भीतर सबके सामने। महाराज, महाराज वो आपके सामने आके बसंती के मांग में सिंदूर भरेगा और वो रंडी को अपना पत्नी बनाएगा। और तोर महाराज, वो तो की बच्चे को भी अपनाने को तैयार है। मानना पड़ेगा महाराज, जो भी है वो आशिक बहुत दम है बहुत दम। शब्दों से कर्म की सिद्धि नहीं होती। भुवन पंडा गर्दन कटवाना पसंद करता है मगर नाक कटवाना असंभव, कभी नहीं, कभी नहीं। भुवन पंडा के डर के साए में रंगपुर और लालबत्ती फिर अपनी सामान्य जिंदगी जीने लगते हैं, पर शायद विधि को यह मंजूर नहीं है। एक दिन बसंती के जीवन में कुछ अजीब घटना घटती है। उसके नाम का एक खत आता है, लाने वाला और कोई नहीं, डाक बाबू चंदन है। बसंती को बड़ा आश्चर्य होता है और वो चंदन से पूछती है कि शायद उसे कोई गलती हो गई है, क्योंकि आज तक ना उसके नाम कभी कोई खत आया है ना आने की संभावना है। चंदन उसे समझाता है कि भले ही बसंती को पढ़ना लिखना नहीं आता पर उसे आता है, और वो अच्छी तरह पढ़ सकता है कि खत में बसंती का ही नाम और लाल बत्ती का ही पता है। बसंती खत लेती है और अविश्वास से उसे देखती है। इतने में सारी लड़कियां कहने लगती हैं कि वो उनकी सारी चिट्ठियों को बड़े रोमांच से सुनती आई है और आज उसकी बारी है। काफी जोर देने पर ना चाहते हुए भी बसंती चंदन को चिट्ठी पढ़ने के लिए दे देती है। आइए देखते हैं कि किसने भेजा है यह खत। लिखते हैं, हाँ। हमने कांटों को भी दिल में जगा दी है। क्या? लोग बेरहम हैं, फूलों को मसल देते हैं। क्या कह रहे हैं? फूलन को मसल देते हैं और का? बसंती, तुम केवल फूली नहीं जिसमें रंग हो, सुगंध हो, सुंदरता हो, तुम हवा का सिर्फ झोंका भी नहीं जो सासों के साथ आता है और चला जाता है। तुम जीवन भी नहीं जिससे बिछड़ना तय हो। तुम क्या हो? क्या हो? निश्चित ही अंजाम, दीवाने की आवाज जिसे सुनते ही खुशबुओं में अंग अंग भरकर हवाओं में तरंग भरकर आती हो, और मेरा विशालकाय प्रेम तुम्हें अपनी बाहों में भर लेता है। काहे का प्रेम? बहुत बड़ा प्रेम, विशाल। हाँ, विशाल का। अच्छा। लिखते हैं आगे, और थोड़ी देर बाद नजर आता है कि दूर खड़ी तुम्हारी परछाई मुझ पर हंस रही हो। हा? प्रेम से नहीं बल्कि मुझ पर तंज कर रही हो। तंज? तंज का होता है? अरे कटाक्ष, काहे डांट रही हो? हमको नहीं मालूम। अब समझ गई? आगे पढ़ो भैया। तंज नहीं समझती लेकिन कटाक्ष समझ लेती है। खैर, तब हम तड़प उठते हैं तुम्हें पाने के लिए। दौड़ पड़ता हूँ तुम्हारे घर की तरफ। पांव छिलते हैं, कटते हैं, जख्म बनता है, फूटता है, रिसता है, थकान बढ़ती जाती है, जुनून सीमा लांघता है। ठिठकता हूँ, रुकता हूँ। तुम्हारे घर के पास पहुंचकर अचानक ये आवाज निकल पड़ती है। अरे, यह तो सिर्फ दीवार ही दीवार है, दरवाजे नहीं। शायद यहाँ से कोई आते जाते नहीं। डाक बाबू, हाँ। ये कहाँ लिखा है? कहाँ? हाँ, यहाँ। ओ, यहाँ। पढ़ो। आगे पढ़े? हाँ। मगर हम हाथों में हाथ डालकर, कदम से कदम मिलाकर एक नए सफर की शुरुआत करेंगे बसंती, जिसकी मंजिल मोहब्बत होगी। मोहब्बत, सिर्फ मोहब्बत। तुम्हारा ही गुमनाम आशिक। अरे बाप रे, ये चिट्ठी है या किसी शायर की शायरी? ए बसंती, ये तेरा कोई आशिक नहीं, कौन चोर है?
किसी शायर की किताब से चोरी की गई है ये। ये इसकी असली भाषा नहीं हो सकत। हाँ। जा जा, जलने की बुआरी है तेरे से, हजार रुपाली। चुप करो। खत का मजमून भाप लेते हैं लिफाफा देख करके। ये किसी शायर की शायरी नहीं है, ये तो हमें लगत है किसी पढ़े लिखे संवेदनशील आदमी ने लिखी है, जो हमार बसंती को आत्मा से चाहत है। आज तक लाल बत्ती के इतिहास में कभी कोई चिट्ठी ऐसी नहीं आई। बसंती का ये चिट्ठी पढ़ कर के तुम्हार शरीर के रोंगटा नहीं खड़े हो गए? सच बताएं दीदी, हमको तो लग रहा है कितना बड़ा बुद्धू आदमी है ये। क्यों? इसे कम पैसे में तो हमारे साथ सो सकता था। अरे अब ये देखो, इतना दिमाग लगाई के, इतना बड़ा बड़ा शब्द बोल बोल के का मिला उका? लेकिन कुछ भी बोलो डाक बाबू, हमार पहली चिट्ठी आई है। बसंती की पहली चिट्ठी आई है डाक बाबू। ही लो, जगह पे रख दो ना। इन्हें आप समझाइए ना, हमेशा हमारी टांग खींचते रहते हैं। चलो मैं, चलो छोड़ो। अरे बसंती की चिट्ठी आई है रे लल्ला। कब बात करता है लल्ला साला, तू भी जो है। अरे उब गया हूं तुम दोनों सालों से, अब तुम लोगों की बातों में ना कोई रस है ना उत्तेजना। ऐसा लगता है तुम दोनों कुत्तों को बदलकर अपनी सेवा के लिए दो मनोरंजक कुतिया ले आऊं। महाराज आप तो महापुरुष हैं, आप ठीक ही कह रहे हैं, लेकिन महाराज नया 9 दिन पुराना 100 दिन महाराज। वो बसंती आप तो जानते ना उसको, अरे वह रंडिया जिसको आप गलतियों के महाराज माफ कर दो महाराज, अब दोबारा नहीं होगा महाराज। तो हम बता रहे तो महाराज, वो बसंती जिसको आज तक जिंदगी में कोई चिट्ठी नहीं आई महाराज, पर अब तो उसका जीवन ही बदल गया है, कोई मिल गया उसे महाराज, एक तो प्रेम पत्र मिला है उसे। अच्छा, किसने भेजा है प्रेम पत्र? पता नहीं, सारा मौता की हिजड़ा। बिना हम चिट्ठी भेजा है महाराज, भगवान जाने खाली चिट्ठी भेजकर और कौन सी इच्छा की पूर्ति हो गई। तो सिर्फ बसंत जी को पता होगा। जब तक चिट्ठी है ठीक है, साला उस डाकिया से तो दूर रहेगी ना। मेरी ही बसंती, आशाओं को टूटते देखा खुद कर्जी के हाथों से, शीशे के बुत को ही यहां पत्थर का संसार मिला, चमकने की चाहत में हीरा ना जाने कितनी बार कटा, खामोश आंखें कांपते होठ कुछ कहने को लाचार मिले, तुम क्या हो अगर तुम मेरा ख्वाब, तो मैं उम्र भर आंखें ना खोलूं, जब ख्वाब की ये इज्जत है मेरे दिल में, तो सोचो हकीकत का मैं किस तरह स्वागत करूंगा। बसंती, तुम्हारा ही
दीदी 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 उठो, बहुत बुरा हुआ दीदी। क्या हुआ? बहुत बुरा हुआ। क्या हुआ? किसी कलमे ने कोई बुरा बर्ताव किया? कस के पकड़ो। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या आप कह रही हो? हमको उससे प्यार हो गया दीदी। किसे? हम नहीं बता सकते, बहुत डर लग रहा है। देखो बसंती, हम रंडियों को प्यार करने का कोई हक नहीं है। प्यार वो शौक है जो हम लोगों के नसीब में नहीं है। हम जानती हैं तुम्हारे दिमाग में ये हलचल उन प्रेम पत्रन के कारण हुई है, पर वो तुम्हारा आस्तिक लेखक है ना, वो तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगा। हमारी जवानी में ऐसे कई लेखक आए और कई गए, पर कहाँ बोआ, हम तो वैसे कैसे कोरे रहे ना। वो चिट्ठी वाले के बारे में बात नहीं कर रहे। किसके बारे में बात कर रही हो? डाक बाबू। डाक बाबू? वो हमारे सपने में आए थे, वो पता नहीं क्या कर बैठे, बहुत डर लग रहा है दीदी। वो सपने में क्या कर दे रहे थे? बसंती देखो बसंती, हमारी बात सुनो, सपना सपना ही होते हैं, और बसंती सपने कभी असलियत नहीं बन सकते। हम लोगों के जीवन की सच्चाई बड़ी कटु है, सपने कोई पूरे नहीं करता। डाक बाबू सिर्फ दूसरन के जज्बातन का इजहार करत, वो उनकी अपनी भावनाएं नहीं। अरे लेखक और अदाकारा में बड़ा फर्क है, ये डाक बाबू की शब्द नहीं। डाक बाबू दूसरे के प्रेम पत्र को लाते हैं, तुम्हें पढ़कर सुनाते हैं, पर तुम्हारे प्रेमी नहीं है बसंती। मगर हम उनका नहीं भूल सकते दीदी, हम उनका नहीं भूल सकते। अब हम क्या करें? हम क्या करें? तुम एक काम करो, अपना जी हल्का करवे के लेन, अपने मन की तड़प को मिटान के लेन एक काम करो, उसे पटाओ और उसके साथ जाकर के सो जाओ। सो जाओ जी दीदी जी। ये आप कहाँ बोल रही हैं? वो और मर्दों की तरह नहीं है दीदी, उसका तो हम छू भी नहीं सकते। वो छोटा है, कुंवारा है, हम उसकी मासूमियत को कलंकित नहीं कर सकते दीदी जी। तो फिर क्या करियो? क्या कर? आजा बाबू देख, बसंती बिक रही है, आजा राजा आजा। और क्या करेंगे दीदी, वही जो आता है। हम चलते। ए बसंती, यह ना तुम्हें नींद नहीं आ रही है ना, आओ हम तुम्हें अपने बचपन की एक लोरी सुनाएं जो हमारे अम्मा हमें गा के सुलाया करती थी। थोड़ी देर आओ, हमारे कन्या में आकर के लेट जाओ, आओ जी हल्का हो जाएगा। नींदिया ही नींदिया आँखों में, नींदिया ही नींदिया आँखों में, सो जा राजकुमारी सो जा, तुझे आएंगे सपने हजार, सो जा राजकुमारी सो जा। सच से बढ़िया सपना होता, ये ले डाक बाबू चिट्ठी पढ़ने के पैसे। नहीं नहीं ठीक है, नहीं चाहिए, रखिए। पर बातों बताइए, आज बात क्या है? बसंती नहीं दिख रही आपकी नजर हमेशा बसंती को कहाँ ढूंढती है? आप हमका कुछ कम है डाक बाबू, ऐसी कोई बात नहीं है। तोहरा खातिर हम कब से सच संवर के बैठे हैं, हम जानते हैं। अब हमार प्रेम पत्र खोल के अगर नहीं पढ़ेंगे तो हम अपना दिल खोल के रख देंगे। गुलाबू तू खुलवाती किसी और से है और लगवाती किसी और से। देखिए आप लोग अगर ये खोलने खुलवाने की बातें करेंगे तो आज के बाद हम यहाँ नहीं आएंगे, बोल देते हैं, हम जा रहे हैं। क्यों लड़कियों, और ऐसे अपवित्र बातें क्यों कर रही हो? हटो, आइए बैठ जाओ। आओ दीदी। इनका नाम है चंदन। का नाम है चंदन। इसे माथे पर लगाते हैं,
बिस्तर पर नहीं सुलाते हैं। चाय भाई को पूछो कि नहीं। राजू। हाँ दीदी। जरा चाय तो ला भैया। अभी लाया। ये लीजिए लग बाबू। आ भी गई। अरे पहले ठहरो। आज हमारी जिंदगी का बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। वो क्यों? पहले अपने नीके नीके हाथन से हमें जरा पान तो खिला दो। ये लीजिए। क्या बात है। आज हमारी जिंदगी का बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। वो क्यों? आज ही के दिन वो पहली बार हमारे यहाँ आए थे। वो आधा पान अपने दांतन में गड़ा के क्या बात आधा हमसे काटने के लिए कहा। पहले तो हम सकुचाए, शर्माए, फिर बड़ी हिम्मत करके हमने भी अपने दांत गड़ा दिए। होठ से जब होठ टकराए तुम्हार कसम हमार गाल इबान की पीक से भी ज्यादा लाल हो गए। दीदी आपकी बातें सुनकर आप ही के गालों की तरह हमारे कान भी लाल हो रहे हैं। जरा चाय तो दे दो। अरे हाँ। चाय। इतनी शर्म का है डाक बाबू। अरे पूछ दो। एक ही वर्दी है, इस पे भी दाग लग गया, लगता है अब छूटेगा नहीं। अरे घबराओ मत चंदन बाबू, कपड़न पर लगा दाग तो झागो साबुन से मिट जाते हैं, पर जवानी पर लगा दाग जिंदगी भर नहीं छूटे थे। अब हम चलते हैं। अरे बबुआ नाराज हो गए का? पूरी कहानी तो सुनते जाओ। अरे जाओ, ये तो जवानी के अंगार हैं, बीच बीच में सुलग जाते हैं। ये पर घी ना डालो। ई चंदन बाबू। हाँ। आप ही कहिए ना दीदी को। अच्छा चलिए दीदी, सारी लड़कियां बोल रही हैं, चलिए हम भी नहीं जाएंगे। सुनाइए आगे क्या हुआ। सुनाओ ना। अब का सुनाए। अच्छा जब उनने ये बोली हमसे तो हमने अपने पैरों में घुंघरू बांधे और कूदी और का गाना गाओ। जन मोरी जंगल में क्या बात डाल है? गयो रे। जन मोरी जंगल में डाल गयो रे। सखी गोरे गोरे गाल, हे सखी गोरे गोरे गाल, ये पोडर मेरे राजा ने मंगाए दयो रे। जन मोरी जंगल में डाल गयो रे। सखी लाल लाल होट, हे सखी लाल लाल होट, ये पान मेरे राजा ने मंगाए दयो रे। जान मोरी जंगल में डाल गयो रे। सखी काली काली आंखें, हो सखी काली काली आंखें, ये काजल मेरे हाय, ये काजल मेरे राजा ने मांगा है गयो रे। जान मोरी जंगल में डाल गयो रे। जान आगे कहा थो भूल गई। महाराज कल हम लाल बत्ती गए हुए थे, वहां तो हंगामा मचा हुआ है, खुशियों का फव्वारा छूट रहा है वहां पर। कल वाले पत्र में तो उसने लिखा है कि रविवार को आके बिहार आ जाएगा, वो भी काली माँ के मंदिर के भीतर सबके सामने। महाराज महाराज वो आपके सामने आके बसंती के मांग में सिंदूर भरेगा और वो रंडी को अपना पत्नी बनाएगा, और तोर महाराज वो तो की बच्चे को भी अपनाने को तैयार है। मानना पड़ेगा महाराज, जो भी है वो आशिक, बहुत दम है उसमें, बहुत दम। शब्दों से कर्म की सिद्धि नहीं होती। भुवन पंडा गर्दन कटवाना पसंद करता है मगर नाक कटवाना असंभव, कभी नहीं, कभी नहीं। मेरी ही बसंती, सिंदूर, वो भी केवल चुटकी भर, जिसे मन नहीं माप सका, नजर नहीं समेट सकी। गर्व जहां अदना है, गुरूर जहां उचित है, जिसके माथे पर सजा हो सिंदूर, वो भी केवल चुटकी भर। जिसके माथे पर सजा हो उसके अंग अंग से खुशियां फूट पड़ती हैं, बिना सुर संगीत के ही संगीत गूंजने लगता है। कद इतना ऊंचा कि आसमान के चांद को
उंगलियां छूने लगती हैं। हाँ बसंती, जिसके माथे पर सजा हो सिंदूर, वो भी केवल चुटकी पर। बसंती, दो दिन बाद मंदिर में सबके सामने तुम्हारे माथे पर यही सिंदूर लगाकर विवाहिता का दर्जा दूंगा, और तितली को पिता की सरपरस्ती। मैं आ रहा हूं बसंती तुम्हें अपना नाम देने, तुम्हारा ही गुमनाम आशिक। लेकिन डाक बाबू, डाक बाबू,